नादरी नेचर टाइम की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मैं सऊदी अरब के शहर रियाज में हूं। यहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आपसे कुछ देर कबल खिताब किया है। सऊदी अरेबिया और यहां स्थित पवित्र मॉस्क दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यह भूमि वर्ल्ड इकोनॉमी का भी ऊर्जा स्रोत रही है। आज रियाद के इस ऊर्जावान शहर में आपके बीच में मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है। फ्रेंड्स, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के विषय से ये स्पष्ट करते हैं, इस फोरम का उद्देश्य सिर्फ यहां के अर्थतंत्र की ही चर्चा करना नहीं है, बल्कि विश्व में उभरते ट्रेंड्स को समझना और उसमें विश्व कल्याण के रास्ते ढूंढना भी है। इसी कारण यह डायनेमिक प्लेटफॉर्म बिजनेस वर्ल्ड कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। और खास तौर से सऊदी अरब के सामने ये बात रखी है कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, जिसमें एक बड़े सरमायाकारी की गुंजाइश है। उन्होंने दुनिया भर के जो बिजनेस लीडर्स हैं उनको हिंदुस्तान आने की दावत दी है, और उन्होंने कहा है कि जो लोग भी हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए हमने बहुत ही साजगार माहौल बनाया है। साथियों, आज जब भारत में हम विकास को गति देना चाहते हैं तो हमें उभरते हुए ट्रेंड्स को अच्छी तरह समझना होगा, और इसलिए आज मैं आपसे ग्लोबल बिजनेसेस को प्रभावित करने वाले पांच बड़े ट्रेंड्स के बारे में बात करना चाहूंगा। पहला ट्रेंड है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का प्रभाव। दूसरा, ग्लोबल ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस। तीसरा, ह्यूमन रिसोर्स और फ्यूचर ऑफ वर्क में तेजी से हो रहा बदलाव। चौथा, कंपेशन फॉर एनवायरमेंट। और पांचवा ट्रेंड है बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बढ़ते हुए प्रभाव के हम चश्मदीद गवाह हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी, ये रिसर्च से आगे बढ़कर आज रोजमर्रा के जीवन का भाग बनती जा रही है। टेक्नोलॉजी के इस बदलाव का उन समाज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जिनमें नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने और उन पर फ्यूचर इनोवेशन का कल्चर विकसित हुआ है। भारत में हमने इस कल्चर को मजबूत करने के लिए अनेक स्तरों पर प्रयास किया है, चाहे वह युवाओं के लिए स्टार्टअप चैलेंजेज हो या हैकेथॉन्स हो, या फिर स्कूल चिल्ड्रन के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स, जहां वो इनोवेशन को खुद अनुभव करते हैं। आज भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर टेक एंटरप्राइज एक व्यापक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। हमारे इन प्रयासों के नतीजे भी आना शुरू हुए हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। भारत के टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में भी स्टार्टअप्स उभर करके आए हैं। भारत में 1 बिलियन US डॉलर से ज्यादा वैल्यूएशन वाले यूनिकॉर्न्स की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे कई स्टार्टअप्स वैश्विक स्तर पर निवेश करने लगे हैं। इंडियन स्टार्टअप्स आर एजिंग एवरीथिंग फ्रॉम फूड डिलीवरी टू ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटैलिटी टू मेडिकल ट्रीटमेंट टू टूरिज्म, और इसलिए विश्व के सभी इन्वेस्टर्स, खासकर वेंचर फंड से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम का लाभ उठाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत में इनोवेशन में किया गया निवेश सबसे ज्यादा रिटर्न देगा।
तीन दिन तक ये कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी। आज इसका पहला दिन था। आज नरेंद्र मोदी जी ने ख़ास तौर से सऊदी अरब की आवाम का, सऊदी अरब के लीडरों का, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का, सऊदी अरब के शाह का शुक्रिया अदा किया है। दुनिया भर के लगभग 30 ममालिक इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया भर में आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट के लिए नई राहें तैयार करना, नए मौके तैयार करना है। हमारा जो ख़ास तौर से इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह का होगा, किन किन मैदानों में हम फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट हो सकता है और कौन कौन से ऐसे मैदान है जिनमें हम आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एशिया टाइम्स के लिए रियाद से मैं अशरफ अली बस्तगी।